वर्क प्राइमेटिक्स। आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं थायोपेंटिन सोडियम इंजेक्शन के बारे में। थायोपेंटिन सोडियम इंजेक्शन होता है, ये जनरल एनेस्थेसिया कैटेगरी का इंजेक्शन होता है। इसका यूज़ जनरल एनेस्थेसिया के दौरान किया जाता है। जब जनरल एनेस्थेसिया के दौरान इंट्यूबेशन करते हैं तो उससे पहले इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, मतलब आई वी माध्यम से इसको इंजेक्ट किया जाता है। इसका बहुत सारे यूजेस है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे उसके बाद में देखते हैं यहाँ थायोपेंटिन सोडियम इंजेक्शन के बारे में। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है, छोटे बहुत कम समय के लिए पेशेंट को अनकॉन्शियस करती है और हाईली वाटर सोल्यूबल होता है, हाईली लिपिड सोल्यूबल भी होता है। जो थायोपेंटिन सोडियम है ये अनकॉन्शियस प्रोड्यूस करती है 20 से 30 सेकेंड के अंदर, यानी बहुत ही जल्दी काम स्टार्ट कर देती है, अपना अनकॉन्शियसनेस बहुत ही कम समय के अंदर इसका स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरेशन देखते हैं तो 4 से 7 मिनट तक बनी रहती है। और ये पे यहाँ पे बात करते हैं थायोपेंटिन सोडियम जो होता है मेटाबॉलिज्म करती है स्लोली, यदि एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी किया गया हो तो। उसके बाद में आगे बात करते हैं यूजेस की, इसके यूजेस की। जो थायोपेंटिन सोडियम का जो यूज है वो इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक, यानी एनेस्थेसिया की शुरुआत करने से पहले जब पेशेंट में इनहेलेशन एनेस्थेटिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उससे पहले आईवी माध्यम से इसको इंजेक्ट करते हैं ताकि पेशेंट अनकॉन्शियस बना रहे इंट्यूबेशन के दौरान। उसके बाद में बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो उसमें क्या लाभ होते हैं और क्या हानियाँ होती है। तो बात करते हैं लाभ की, तो यहाँ पे क्यू कौन शेट ऑन एक्शन इंडक्शन इज स्मूथ रैपिड एंड प्लीजेंट, जो ये शुरुआत करता है वो स्मूथ करता है, रैपिड एंड जल्दी करता है और प्लीजेंट मतलब सुखद करता है, मतलब ये अच्छा है इसके लिए। और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो नेदर ए गुड एनाल्जेसिक नोर ए मसल रिलैक्सेंट, ना तो ये अच्छा एनाल्जेसिक है और ना ही ये मसल रिलैक्सेंट है, इसको अकेले भी यूज़ नहीं किया जाता है। जब इसकी ओवर डोज लग जाती है तो पेशेंट अपने को रिजल्ट जो मिलते हैं वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मिलते हैं, जिसके लिए अपना आर्टिफिशियल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, और सेवर हाइपोटेंशन करता है मतलब बीपी को ये लो करता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, सीएनएस पर देखते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बात करते हैं तो इसमें हिप्नोसिस होता है और यहाँ पे बात करते हैं एनेस्थेसिया होता है। एनेस्थेसिया मतलब जल्दी रैपिड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका रैपिड किया जाता है और रिकवरी भी इसकी रैपिड की जाती है। सेरेब्रल फ्लो ब्लड फ्लो ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे सेरेब्रल ब्लड फ्लो होता है CBF ये डिक्रीज करता है। और यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव ओनोट्रोपिक एक्टिविटी करता है, जो जैसे कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करता है, हाइपोवोल्यूमिया करता है। हाइपोवोल्यूमिया मीन्स होता है ब्लड के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा को कम करता है, जैसे प्लाज्मा हो गया, और ये हाइपोटेंशन करता है, बीपी को लो कर रहा है और टेकीकार्डिया हार्ट बीट को लो करता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब जिस किस पेशेंट के अंदर इसका यूज़ नहीं किया जाता। हाइपोवोल्यूमिया वाले पेशेंट में जिसमें ब्लड की मात्रा बहुत कम है, और सिस्टोलिक फंक्शन वाले पेशेंट में, जो सिस्टोलिक फंक्शन डिक्रीज करने वाले पेशेंट में जिसमें बीपी बहुत लो है उसमें इसका यूज नहीं किया जाता।